हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज है इंडिपेंडेंस डे टू, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। और लेकिन जब ये ब्लॉग आ रहा होगा तो ये हो चुका होगा 16, लेकिन कोई बात नहीं, विश करना ज़रूरी है। तो और आज थोड़ा दिल्ली देख कर आते हैं कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हमारी दिल्ली कैसी सजी होती है, कहाँ कहाँ पर होती है सजी हुई। स्पेशली इंडिया गेट के आसपास जरूर जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं, और फिर थोड़ी पतंग लेकर आ गया हूँ मैं, तो उसको उड़ाऊँगा शाम को, थोड़ी धूप कम हो जाएगी क्योंकि दिन में धूप बहुत तेज़ होती है। अगर दिन में भी ठीक रही तो दिन में भी उड़ा लूँगा, वरना शाम को उड़ाऊँगा। तो चलिए फिर चलते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो वैसे तो इंडिया गेट इस दिन खुला रहता है, अंदर जाने को मतलब अलाउड होता है, लेकिन आज इंडिया गेट बंद है तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर कोई आ भी रहा था तो ना आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इधर इंडिया गेट पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और देखिए सामने सजावट कर रखी है, वहाँ पर लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। यहाँ पर लोग बाहर बाहर से भी आते हैं, मतलब और राज्यों से भी यहाँ पर घूमने आते हैं, स्पेशली 15 अगस्त वाले दिन। तो वो लोग भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, वो भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। देखिए फोटोग्राफी चल रही है। और यहाँ पर जो मतलब फोटोग्राफर्स होते हैं, जो फ़ोटो क्लिक करके बेचते हैं, उनके आज बहुत मज़े हैं, क्योंकि यहाँ पर खूब रश है तो लोग बहुत फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पर सब मतलब मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर ये एक लेडी है, इन्होंने बुलेट को मतलब पूरा सजा रखा है रंगे झंडे वगैरह से, सब इनके साथ फ़ोटो निकलवा रहे हैं। और अब मैं आ गया हूँ अपने सबसे फेवरेट जगह सीपी में। तो देखिए सीपी को कैसे सजा दिया गया है, बिल्कुल मस्त डेकोरेशन वगैरह और लाइटनिंग करी है, जो शाम को मज़ा आएगा। ये पालिका का है, काफ़ी रश हो रहा है यहाँ पर बस, लेकिन खुला कुछ भी नहीं है, फ़ोटो वगैरह निकलवाने आ रहे हैं लोग। सजी बहुत अच्छी है, इनर सर्कल में नहीं गया, बाहर बाहर ही देख रहा हूँ, लेकिन लाइट जब तिरंगे की जलेगी ना रात में तो बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने सोचा इंडिया गेट भी दिखाई दें दूसरी साइड से। तो इस साइड ये ओपन है, यहाँ पर मतलब दिख रहा है सामने से, अंदर नहीं जा सकते लेकिन। तो इसके सामने भी सजावट हो रखी है, ये राष्ट्रीय स्टेडियम के सजावट की गई है, राष्ट्रीय स्टेडियम भवन, तो उसके सामने सजावट करी है। और यहाँ से साफ बढ़िया लुक आ रहा है इंडिया गेट का, लोग यहाँ भी खूब अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचवाने आ रहे हैं। ये देखिए क्या मस्त सजावट होती है, ये मज़े होते हैं 15 अगस्त के वाले दिन। तो अब मैं दिल्ली वगैरह तो घूम आया हूँ, मैंने सोची अब शाम हो गई है लगभग, लेकिन धूप बहुत तेज़ है जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो अब पतंग उड़ाई जाएगी, पतंग ले आया है, चलिए चलते हैं पतंग उड़ाते हैं अभी से ही। अभी करीब 5 बज रहे होंगे, शायद 4:30 हो रहे होंगे। चलो चलते हैं फिर पतंग उड़ाते हैं, वरना फिर रात में क्या मज़ा आएगा। चलो चलते हैं, देख कितनी सारी पतंगें उड़ रही हैं। और दो मेरी छत से उड़ रही है, एक ये जल्दी जल्दी तोड़ो। ब्लू वाली मेरी है, ब्लैक वाइट दूसरी है। अरे यार ये दोनों ने काट दी लौंडे ने, इसने भी काट दी। ये है गाइडर, बढ़ाओ, सबको गाइड कर रहे हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना। अल्लाह भाई पटेल बढ़ाओ, लंबी लंबी लड़ाओ आज पेचो ने, ये कुछ भी बोलता है। पनीर टिक्का गुंडू की तरफ से, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक आंटी की तरफ से। क्या हुआ आंटी, कहाँ रह गई पतंग आपकी, आप नहीं आ रही। आंटी ने भाला उठा लिया 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, तो उससे खाना लक्की भाई की तरफ से। अरे छोड़ो ना, अपने पे हैं पतंगे भी, बाकी देख करो तो मिलेगी तो लेंगे। अरे तुम वो सर के ऊपर लड़ा रहे हैं, कहाँ से मिल जाए आंटी रोड से। और ये कैंडल उड़ रही है, कैंडल उड़ाई जाती है पतंगों के साथ साथ, मतलब कोई कैंडल उड़ा देता है इसमें आग लगा कर उड़ा देते हैं।
मार दूंगा अभी। लेट नाइट शो है ये, पतंग का लेट नाइट शो। वो नहीं, क्लीन नहीं आई। हाँ वो देख ली, वही वाली। ये है दिल्ली 6 का क्लोजिंग पतंग का आज। देख हमारे यहीं पर लैंड करी है ये, अब दिख रही है ये दो पतंगे रह गई, एक ये और ये तिरंगा वाली। अब इनको कल उड़ाऊंगा, आज बहुत रात हो चुकी है, 8 बज चुके हैं, तो मैंने तो अब इनको रख देता हूँ यहाँ पे। अभी तो 15 अगस्त रक्षाबंधन तक चलता रहेगा ये सिलसिला। और अब नहा धो चुका हूँ मैं, तो अब जाकर थोड़ा खाना पीना खा लेता हूँ, भूख लग रही है। अभी दोपहर से उड़ाना शुरू कर दिया था, तो मिलूँगा आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।